हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा सुबह की मॉर्निंग में चलते चलते ऐसे रास्तों पर भटक जाता हूँ। फिर लोग कहते हैं उबड़ खाबड़ रास्तों पर क्यों चलते हो। सही रास्ते भी हैं, अगर सीधे रास्तों पर ही चलना है तो ये उबड़ खाबड़ रास्ते बनाए क्यों गए? ये जंगल, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये हैं किस लिए? किसी ने तो खोजा होगा, किसी ने तो यहाँ तक आते आकर इनको जाना होगा, समझा होगा, तभी तो मैं आता हूँ। और मैं कौन हूँ मुझे ही नहीं पता। लोग अपने आप को पहचानने के लिए सारी दुनिया, सारी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन अपने आप को पहचानते नहीं हैं। आप आए कैसे हो दुनिया में? नेमलेस, आपका कोई नाम नहीं था। फिर दुनिया में जैसे ही आते हो आपको एक नाम दे दिया जाता है, उस नाम के सहारे आप चलते रहते हो। और वो नाम ऐसा नाम होता है कि जिसको आप अपना समझ के दिल से लगा के जीने लगते हो। एक बड़ी अद्भुत कहानी है। रामतीर्थ जी एक बार अमेरिका में थे, उनको लोगों ने गालियाँ दे दी। गालियाँ देने के बाद जब वो वापस आए मुस्कुराते हुए, तो उनके जो साथी गढ़ थे, दोस्त लोग थे, उन्होंने कहा तुम कैसे इंसान हो? बहुत गुस्सा किया उन लोगों ने कि तुम्हें लोग गालियाँ दे रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो रामतीर्थ जी ने बोला कि अरे भाई, जो गालियाँ दी उन्होंने राम को दी, मुझे थोड़ी दी। मैं कुछ और भी हो सकता था, मैं राम के बिना भी जी सकता था। मैं जब दुनिया में आया तो मैं राम नहीं था, मेरा नाम राम दिया गया। मैं कुछ और भी हो सकता था, इसलिए वो गालियाँ मुझे नहीं दी। अगर आपको लगता है कि मुझे दी, तो मेरा नाम आप बदल दीजिए। ज़रूरी थोड़ी है मेरा नाम रामतीर्थी रहे, मेरा नाम श्याम भी हो सकता है, मेरा नाम कुछ और भी हो सकता है। मैं किसी और चीज़ के बगैर भी जी सकता हूँ इस दुनिया में। तो दोस्तों, आप सभी को यह पहचानना है कि किस चीज़ पर आपको रिएक्ट करना है, किस पर रिएक्ट नहीं करना है। तो बेटर होगा कि जीने के लिए अपने आप को पहचाने, रास्तों की परवाह ना करते हुए सीधे चलें। धन्यवाद।